और देखिए शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। जंग के 46वें दिन यूक्रेन की तरफ से रूस पर जोरदार तरीके से पलटवार किया गया है। रूस के हथियार गोदाम पर यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। यूक्रेन ने तबाह किया रूस का गोला बारूद का पूरा भंडार। रूसी सैनिक अड्डे पर हैवी आर्टिलरी से हमला किया गया। ये धुएं का गुबार नहीं, यूक्रेनी फौज के हौसले का बवंडर है जिसने रूस की सेना को एक तरह से बेबस कर दिया है। ये यूक्रेन की जमीन पर रूस की फौज का हथियारों वाला गोदाम था जिसे यूक्रेन के हमले ने पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। यूक्रेन ने यह हमला टोह लगा कर किया। पहले ड्रोन के जरिए रूसी हथियार खाने का पता लगाया, फिर हैवी मशीनरी से जोरदार फायरिंग कर इसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। ये वीडियो यूक्रेन की आर्मी ने जारी किया है और अपने हमले की कामयाबी को रूस के लिए बड़ा धक्का बताया है। रूस और यूक्रेन की जंग का 46वां दिन गुजर रहा है और यूक्रेन की सड़कों पर जगह जगह पड़ा रूसी टैंकों और फौजी गाड़ियों का मलबा बता रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ रूस का नुकसान बढ़ता जा रहा है। मैदान जंग का ये सूरत हाल यूक्रेन का हौसला और रूस की परेशानी बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि रूस आर्मी को इस वजह से रणनीति बदलकर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन की ओर मुड़ना पड़ा है और पुतिन ने भी इसी नुकसान के चलते अपनी फौज का कमांडर बदला है। और वही यूक्रेन के खिलाफ रूस का बड़ा हवाई हमला देखने को मिला है। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स ने यह बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के आर्म व्हीकल के काफिले पर अटैक किया गया है और रूसी हमले में यूक्रेन का भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की एयरफोर्स की कमर तोड़ चुके रूस अब अपनी शर्तों पर प्रहार कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में वो जहां चाहता है जिस वक्त चाहता है वहां वार करता है और यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। ये जंग के आसमान का अजय योद्धा कहा जाने वाला रूस के कामारोव 52 अटैक हेलीकॉप्टर है जिनकी नजर यूक्रेन के आर्म्ड व्हीकल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन के काफिले पर है। बस निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया, इसके बाद का काम हेलीकॉप्टर से छूटी मिसाइलों ने पूरा कर दिया। लेकिन ये जंग का मैदान है जहां खेल पल पल बदलता रहता है। यहां यूक्रेन के फाइटर्स ने रूसी हेलीकॉप्टर का काम तमाम कर दिया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के प्रहार से रूसी हेलीकॉप्टर धराशायी हो गया। यूक्रेन की फौज छोटे हथियारों से रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। ब्रिटेन से मिले स्टार स्ट्रीक मैनपैड्स की मदद से रूस के ओरलैंड ड्रोन को मार गिराया। ये बात सही है कि जंग में ताकत और हथियारों की बड़ी कीमत होती है, लेकिन यूक्रेन की फौज ने साबित किया है कि लड़ाई का रुख हौसले से भी मोड़ा जा सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।